रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कंटेस्टेंट का एक दूसरे पर वॉर खत्म नहीं हो रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लगातार फैंस इन सभी की तारीफ भी कर रहे हैं तो लगातार इन्हें लेकर कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर हिमांशी खुराना की सिद्धार्थ शुक्ला को माफ़ करने की, तो शायद हिमांशी उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं है। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कई सारी बातें कही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ बन चुके हैं इस शो के विनर, तो वहीं लगातार इंटरव्यू में कई बातें भी सामने आ रही हैं। हिमांशी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिद्धार्थ उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उन्होंने एक मशवरा जरूर देना चाहा है। हर कोई कहता था कि सिद्धार्थ बहुत लॉजिकल हैं, वह लॉजिक के साथ बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में कई बुरी बातें कही। उनके फैंस कहते हैं कि सिद्धार्थ कभी चुगली नहीं करते, लेकिन सभी ने सुना कि उन्होंने वीकेंड का वॉर एपिसोड के दौरान मेरे बारे में क्या कहा। इस तरीके से हिमांशी ने आगे भी कहा कि सिद्धार्थ को नहीं पता कि ब्रेकअप के दौरान मैं किस दौर से गुजरी और किस तरह मैंने खुद को संभाला। वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्तों को जज करने की बजाय मुझे लड़कियों की इज्जत करना सिखाना चाहिए। मेरे बारे में बुरी बातें बोलने के बजाय लड़कियों के साथ प्यार से पेश आने पर ध्यान देना चाहिए। मेरे लिए आसिम मायने रखता है और वह मेरे साथ खड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हिमांशी ने सिद्धार्थ को लेकर नाराज़गी जताई है। आप क्या कहते हैं हिमांशी के इस बयान को लेकर, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रांशी की रिपोर्ट।